सो हेलो एवरी वन आई वेलकम यू टू लेट्स क्रैक यू पी एस एस सी आज के हिंदू एनालिसिस में द टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस आर फर्स्ट इज अबाउट द कल्चर एंड बॉडर मैनेजमेंट ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अगर आप कल्चर पढ़ोगे ये टॉपिक जी एस पेपर वन है ठीक है बॉर्डर मैनेजमेंट इफ यू रेट इट इज़ गिवन इन जी एस पेपर थ्री अब दोनों को लिंक करके दैट हाउ द कल्चर कैन हेल्पस इन बॉर्डर मैनेजमेंट देखो इस प्रकार की जो थिंकिंग है और लिंकेज है वो आपके माइंड के अंदर Uh, होना चाहिए ठीक है तो ये हम लोग एग्जाम्पल के साथ आज डिस्कस करेंगे इंडिया और जो चाइना का जो बॉर्डर है उसके कंटेक्सट में फ्रंट पेज पे ही है तो उसको कैसे आप यूज़ कर सकते हो कल्चर एंड बॉर्डर मैनेजमेंट खाली इन्फॉर्मेशन रीड करने का नहीं जैसे uh, कैसे उस इंफॉर्मेशन को आप यूज़ कर सकते हो डिफ़रेंट डिफरेंट सिनारियों में दैट ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड सो ये एक एंगल है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे सिस्टम साइंस क्या है एडिटोरियल के अंदर ही है आर्टिकल है अब उस आर्टिकल के अंदर जो भी कंटेंट दिया है वो इतना काम का नहीं है लेकिन उसमें एक जो कंसेप्ट पर चर्चा की गई है उसका नाम है सिस्टम साइंस अब देखो सिस्टम साइंस क्या होता है ये आपके अंदर क्यूरोसिटी होना चाहिए अभी आजकल के जो पेपर बन भी रहे हैं वो ऐसे ही हैं अब इसमें पूछ भी सकता है नहीं भी पूछ सकता है लेकिन क्योंकि ये कुछ नई चीज़ है इसलिए आपको इसके बारे में जानना चाहिए कि बेसिकली व्हाट इज़ सिस्टम साइंस और सिस्टम साइंस इसलिए इम्पॉर्टेंट है वैसे प्रश्न इसलिए भी पूछा जा सकता है इसका रीज़न क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो नोबेल प्राइज़ इस बार दिया गया है वो नोबेल प्राइज़ आपका चाहे आई थिंक फिजिक्स की बात करें या इकोनॉमिक्स की बात करें तो उसमें सिस्टम साइंस का जो कंसेप्ट वो अप्लाई होता है तो व्हाट बेसिकली सिस्टम साइंस ये हम जानेंगे इंडियन मॉनसून के बारे में तो ये आपका प्रिलिम्स का टॉपिक बन जाता है ये बॉर्डर मैनेजमेंट कल्चर फिर शेडो गवर्नमेंट क्या है शेडो फॉरन पॉलिसी क्या है तो ये हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे ये पॉलिटी का टॉपिक पॉलिटी और आई का लिंकेज है ठीक है सो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन ये एग्रीकल्चर जीएस पेपर थ्री का टॉपिक है जुडिशरी एज अ सुपर लेजिस्लेचर ये आपका पॉलिटी का टॉपिक बन जाता है ठीक है तो यहाँ पे पॉलिटी का जीएस पेपर टू के अंदर जो प्रश्न है वो आपके लिए फ्रेम होता है आखिरी में आई विल गिव यू द मेन्स क्वेश्चन सो दिस सेशन इज प्रेजेंटेड बाय मी माइने में सौरभ पांडे आप मुझसे अन अकेडमी में जुड़ सकते हैं इंडिया का टॉप एजुकेटर से लाइव पढ़ सकते हैं एग्रीकल्चर ऑप्शनल के लिए आप मुझसे जुड़ सकते हैं तो यू 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 कैन यूज़ दिस कोड दैट इज़ एस पी एल आई वी ई इस कोड का इस्तेमाल करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं जितने भी ये जो सब्जेक्ट्स हैं उन सभी की जो लाइव क्लासेस हैं वो लाइव क्लासेस आप आ, कर सकते हैं जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सभी की लाइव क्लासेस वो आप कर सकते हैं इंडिया के टॉप एजुकेटर्स से अभी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की रैंक भी आई है इस साल जो हिस्सा थे अन के अंदर Uh, दूसरा अभी कई सारे जो ऑफर्स आपके चल रहे हैं अभी जैसे आपके पास मौका है सो यू कैन यूज़ दिस कोड एस पी एल आई वी ई तो ये जो अमाउंट आप देख रहे हो जैसे अगर कॉम्पो सब्सक्रिप्शन आप लेते हो तो ये 35 परसेंट का डिस्काउंट आपको रहेगा एस पी एल आई वी ई ये जो अमाउंट है इसमें आपको जी एस ऑप्शनल टेस्ट सीरीज़ सब कुछ इंक्लूडेड मेन्स टेस्ट सीरीज़ प्रिलिम्स टेस्ट सीरीज़ सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूडेड हैं जैसे ऑप्शनल टेस्ट सीरीज़ है उसके बाद प्रिलिम्स के टेस्ट सीरीज़ हैं जिसमें आपके पचास प्रिलिम्स टेस्ट हैं बीस फुल लेंथ टेस्ट हैं ये सारे सारी चीज़ें इसके साथ ही इंक्लूडेड है एनालिसिस बाय टॉप एजुकेटर क्यूरेटेड एज पर द चेंजिंग जो यू पैटर्न है uh, ये है तो ये आप uh, के लिए अवेलेबल भी रहेगा इसी के अंदर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन जब आप लेते हैं अभी थ्री मंथ्स फेस्टिव कॉम्बो भी चल रहा है तो टेन प्लस टेन इसमें भी है ऑप्शनल विद uh, ऑप्शनल और uh, Uh, जैसे अगर आप रेफरल कोड यूज़ करते हो तो उसमें तो यू कैन यूज़ अगेन दिस कोड दैट इज़ एस पी एल आई वी ई इस कोड का इस्तेमाल करके आप ज्वाइन uh, कर सकते हैं इकॉनिक्स सब्सक्रिप्शन में आपको गाइडेंस uh, भी दी जाती है आपको सेपरेट मेंटर असाइन uh, रहता है शुरू करते हैं जो फर्स्ट टॉपिक है दिस इज़ रिलेटेड विद द बॉर्डर मैनेजमेंट ठीक है कंट्रीज के बीच की जो बॉर्डर होती है उसके मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं जैसे आपकी जीएस पेपर थ्री में एक टॉपिक बनता है तो जो बॉर्डर है उस बॉर्डर के मैनेजमेंट के लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजी के बारे में आपने स्टडी की है ड्रोन टेक्नोलॉजी है या डेवलपमेंट के बारे में हमने बात की है लेकिन कल्चर कैसे हेल्प कर सकता है इन बॉर्डर मैनेजमेंट ये एक नया थोड़ा आइडिया है जो आपको माइंड के अंदर होना चाहिए अब जैसे देखो ये कैसे आ सकता है अब जिसमें ऐसा कोई नहीं पूछने वाला आपसे कि आर्मी ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है कहाँ दी जा रही है ऐसा कोई प्रश्न आपके लिए नहीं बनेगा लेकिन क्या प्रश्न बन सकता है कि फॉर एग्जांपल कि फ़ॉर एग्जांपल इन जनरल जैसे बॉर्डर मैनेजमेंट पे जो प्रश्न है तो उसमें आप इस जो ये एग्ज़ाम्पल इसको कोट कर सकते हैं कि जो तिब्बत का कल्चर है खास तौर से जो इंडियन तिब्बतन जो पुलिस है फॉर एग्जांपल आईटीबीपी जिसे हम कहते हैं इंडियन तिब्बतन बॉर्डर जो पुलिस है आईटीबीपी शॉर्ट में हम कहते हैं तो आईडी IT, टी के जो हमारे पर्सनल हैं जो सोल्जर्स हैं उनको तिब्बतन कल्चर के बारे में जानकारी देना तो ये हेल्प भी करेगा बहुत सारी चीज़ें रिलेटेड विद द इंफॉर्मेशन वॉरफेयर ऑल्सो लोग जो आसपास के रहते हैं उनसे बातचीत करने में भी ये काफ़ी हेल्प करेगा एंड ओवरऑल उस पूरे रीजन में जब आ, जब भी हमारी जो फोर्स है वो पेट्रोलिंग करती है तो लोकल पर्सन के साथ जो कांटेक्ट इस्टेब्लिश करना है बातचीत करना है उनके कल्चर को जानना है उनके कल्चर को रेस्पेक्ट करना है उनके साथ कोपरेट करना है इन सब में ये काफ़ी हेल्प करेगा सो so, अभी एक बैच है जिसमें जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यमान कल्चर स्टडी अरुणाचल प्रदेश तो उसमें जैसे एक बैच जो हमारी आर्मी पर्सनल की हैं उनको सिखाया जा रहा है कई सारे जो तिब्बतन कल्चर है उसके लिए और यह हेल्प करेगा किसी न किसी तरीके से जबकि तौर से जो लोग एल के अराउंड जो पोस्टेड हैं तो वो कल्चर के बारे में तिब्बतन कल्चर के बारे में जानेंगे और ये जो कल्चरल नॉलेज है दिस विल अगेन हेल्प टू कनेक्ट विद द पीपल जो लोग हैं बॉर्डर के उधर रह रहे हैं और इधर रह रहे हैं क्योंकि कल्चरल सिमिलैरिटीज बहुत अधिक देखने को मिलता है इंडियन साइड पर भी तिब्बतन साइड पर भी तो वो जो एक कनेक्टिविटी इस्टैब्लिश करने में जो आ, आर्मी पर्सनल हैं या आई के जो सोल्जर्स हैं वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं तो तिब्बतन ट्रेडिशन कल्चरल जो आ, आप, आपकी पिक्युलरिटीज़ हैं उनका जो डिफरेंट आस्पेक्ट है उसके बारे में जानना क्योंकि ओवरऑल वी कैन से ओवरऑल ये सारे एस्पेक्ट का जो इम्पैक्ट है उस रीजन में देखने को मिलता है नेक्स्ट इज अबाउट द ह्यूमन देखो ह्यूमंस की अगर बात करें तो हमने बहुत सारे जो सिस्टम्स हैं उन सिस्टम के अराउंड चीज़ें प्रेजेंट होती हैं जैसे अगर ह्यूमन की बात करें तो फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे बहुत सारे डायमेंशन सोशियोलॉजिकल आस्पेक्ट है तो हम हम तो अलग अलग चीज़ों को अलग अलग देखते हैं कि चलो ये पॉलिटी का आस्पेक्ट है सोशल uh, सोशियोलॉजी का uh, आस्पेक्ट है या हिस्ट्री का सब्जेक्ट है या एग्रीकल्चर का आस्पेक्ट है अगर आप समझने की को, कोशिश करो तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से एवरी इज़ कनेक्टेड एवरी थिंग इज कनेक्टेड एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है अगर वही पर्सन हिस्ट्री भी हिस्टोरिकल आस्पेक्ट भी देख रहा है वही पर्सन सोसाइटी में सो सोसिया सोसाइटी में रह रहा सोशोलॉजिकल आस्पेक्ट भी देख रहा है वही पर्सन एग्रीकल्चर से कनेक्टेड है वही पर्सन फिजिक्स के प्रोसेस सर्टन है उसको उससे उस पर इंफ्लुएंस पड़ रहा है तो चीज़ें क्या है एक दूसरे से कनेक्टेड हैं इसलिए क्योंकि ये पूरा का पूरा जो ह्यूमन सिस्टम है वो ह्यूमन सिस्टम uh, को आप एक डिसिप्लिनरी के साथ या एक डिसिप्लिन के साथ या एक सब्जेक्ट के साथ लिंक नहीं कर सकते हो इसी कंटेक्सट के अंदर अगर अगर आप देखोगे तो यहाँ एक कंसेप्ट जो है वो आपका जो चर्चा इसके अंदर uh, की गई है दैट इज़ सिस्टम साइंस बाकी इनमें बहुत सारे अपने आर्गूमेंट दिए गए हैं तो वो हमारे इतने काम का नहीं है बट दिस कंसेप्ट ऑफ सिस्टम साइंस इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज दो हजार इक्कीस के अंदर जो नोबल प्राइज आपका दिया गया है उसमें अगर आप देखोगे तो ये जो सिस्टम साइंस है खासतौर से जो इकोनॉमिक्स के लिए जो दो हजार इक्कीस का नोबल प्राइज दिया गया है या फिर दो हज़ार इक्कीस का जो नोबल प्राइज फिजिक्स के लिए दिया गया है वहाँ पर जो सिस्टम साइंस है जिस सिस्टम साइंस का एप्लीकेशन आपको देखने को मिलता है तो वह बेसिकली जो सिस्टम साइंस वो हमें ध्यान में रखना है दो हज़ार इक्कीस का नोबल प्राइज जैसे अब आप इसके नाम देख लो तो ये तो कॉमन सी चीज है इसको आप वैसे भी पढ़ सकते हो इसमें नहीं तो यहां पे जैसे नोबल प्राइज आपका दिया गया है शिवकूरा मनाबे एंड क्लॉस हेसलमैन फॉर फिजिकल मॉडलिंग ऑफ अर्थ क्लाइमेट उसके बाद वेरिएबिलिटी को जानना ग्लोबल वार्मिंग के मॉडल को उसको प्रिडिक्ट करना दूसरा फिर जियारजियो पैरसी उनको दिया गया है खास तौर से फ्लक्चुएशन इन द फिज़िकल सिस्टम फ्रॉम एटॉमिक टू प्लानेट्री स्केल्स जो भी बदलाव हो रहे हैं डिसऑर्डर कॉज हो रहा है फ्लक्चुएशन हो रहा है फिजिकल सिस्टम के अंदर एटॉमिक से प्लानेटरी स्केल पे तो उसके लिए भी इनको जो नोबेल प्राइज है इन, दो, इन दोनों कैटेगरी के, के अंदर फिजिक्स के अंदर दिया आपका गया तो यहाँ पर देखो फिजिक्स के अंदर भी देखो तो एक तरफ फिजिक्स में हम क्लाइमेट नहीं समझते मतलब फिजिक्स में आ, मतलब फिजिक्स जब हम सोचते हैं तो एकदम वही एटॉमिक पार्टिकल्स और वैसे हिग बोजों और ऐसी चीज़ें ही या फिर जैसे ब्लैक होल है बिग बैंग थ्योरी ये ये सब ये सब फिजिक्स से कनेक्टिविटी बट पे दे आर टॉकिंग अबाउट द अर्थ क्लाइमेट ऑल्सो जो कि हम एनवायरमेंट आस्पेक्ट से जोड़ के देखते हैं या फिर एटॉमिक टू प्लेनेटरी स्केल उस आस्पेक्ट को भी इन्होंने कवर किया है तो बियॉन्ड जो सब्जेक्ट है क्योंकि चीजें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड आपकी रहती हैं उसके बाद फिजिसिस्ट की बात किया जाए दे रियलाइज द लिमिटेशन ऑफ ह्यूमन माइंड टू अंडरस्टैंड हाउ द वर्ल्ड रियली वर्क वर्क अ सेंचुरी एगो तो सिस्टम साइंस की बात किया जाए हैव एडवास सिंस द सेमिनल मीटिंग मतलब एक मीटिंग हुई थी 1987 के दौरान उसके बाद से ये जो सिस्टम साइंस है इस पर बहुत अधिक फोकस किया गया क्योंकि अगर आप सिर्फ एक डिसिप्लिन पर एक सब्जेक्ट पर एक ही चीज पर फोकस करोगे तो आप ओवरऑल ह्यूमन आस्पेक्ट या ह्यूमन जो एनवायरमेंट है या फिर जहाँ ह्यूम प्रजेंट है जो कि डिफरेंट डिफरेंट आस्पेक्ट उनको हम इंपैक्ट करते है, उसको हम नहीं समझ सकते हैं तो यहाँ पर क्या है जो सिस्टम साइंस उस पर फोकस करने की कोशिश आपकी Uh, जो है वो की गई तो सिस्टम साइंस को कहा जाता है सिस्टम्स रिसर्च भी कहा जाता है या फिर ये क्या है इंटर डिसिप्लिनरी फील्ड है जिसमें हम डिफरेंट जो सिस्टम्स हैं सिस्टम्स का मतलब क्या होता है जैसे डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं डिफरेंट चीज़ें हैं वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड और इंटर डिपेंडेंट आपकी होती हैं इंटरलिंक्ड है और इंटर डिपेंड इसको हम सिस्टम कहते हैं तो वो सिस्टम सिंपल भी हो सकता है कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है नेचर में भी सिस्टम प्रेजेंट है जैसे मान लो एनवायरमेंट तो इको सिस्टम कहते हैं सोसाइटी में भी सिस्टम है कॉग्निशन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी साइंस हर लेवल पे डिफरेंट छोटे सिंपल या कॉम्प्लेक्स सिस्टम आपको एग्जिस्ट आपके करते हैं और बहुत डाइवर्स फील्ड में, में ये चीजें देखने को मिलती है डिफरेंट डिसिप्लिन में ये चीज आपको देखने को आ, जो है आ, ये मिल सकती है तो यहां पे क्या है टू सिस्टम साइंटिस्ट वर्ल्ड कैन बी अंडरस्टूड एज सिस्टम ऑफ सिस्टम्स ठीक है तो यहां पे क्या है जो सिस्टम साइंटिस्ट हैं जैसे अब इस बार का नोबेल प्राइज जो दिया गया तो दे मे बी कंसिडर्ड एज अ सिस्टम साइंटिस्ट तो ये जो सिस्टम साइंटिस्ट हैं इनके लिए क्या है कि अगर हमें विश्व को समझना है तो विश्व को समझने के लिए ऐसा नहीं है हमें हिस्ट्री पॉलिटी जोग्राफी मतलब यूपीएससी का सिलेबस समझ लिया तो आप दुनिया का दुनिया समझ लोगे ऐसा नहीं system system, है यू हैव टू अंडरस्टैंड द सिस्टम ऑफ सिस्टम जो डिफरेंट सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं डिफरेंट लेवल पे उसको जब हम समझेंगे देन ओनली वी कैन अंडरस्टैंड द वर्ल्ड तो यहाँ पे क्या है यहाँ पे इंटर डिसप्लिनरी फाउंडेशन की तरफ हमें प्रोसीड करना है उसमें साइकोलॉजी भी आ गया बायोलॉजी भी आ गया मेडिसिन भी आ गया कम्युनिकेशन भी आ गया बिजनेस मैनेजमेंट भी आ गया टेक्नोलॉजी भी आ गया कंप्यूटर साइंस भी आ गया इंजीनियरिंग भी आ गया सोशल साइंसिस भी आ गया तो हर एक आस्पेक्ट हर एक डायमेंशन उस सिस्टम के अंदर उस जो कि प्रेजेंट है उस सिस्टम को समझने के लिए जो डिफरेंट सिस्टम है उसको समझने के लिए जो इंटर डिसिप्लिनरी फाउंडेशंस हैं उसकी ज़रूरत है एंड वी कॉल दिस एज अ सिस्टम साइंस ठीक है उसको हम क्या कहते हैं वी कंसीडर इट एज अ सिस्टम साइंस तो यहाँ पे जैसे एक होलिस्टिक व्यू होना चाहिए एज़ पर सिस्टम साइंस डिफरेंट जो इंटरेक्शन है सिस्टम और उसका एनवायरमेंट के बीच में उसको जानना जानना चाहिए जो आ, डिफरेंट प्रजेक्ट्रीज़ हैं डिफरेंट बिहेवियर आपको देखने को मिलते हैं उसको समझना बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है डिफरेंट सिस्टम के अराउंड जो बाउंड्री बिहेवियर है ये सिस्टम है ये सिस्टम है यहाँ पर दोनों का इंट्रैक्शन है तो अनस्टेबिलिटी क्यों है जो बाउंड्री बिहेवियर है वो क्यों है उसको समझना ज़रूरी हो जाता है और अर्थ के बारे में बात किया जाए बायोस्फियर जहाँ लाइफ एग्जिस्ट करती है उसके डाइनमिज़म को समझने के लिए जो प्रॉब्लम नेचर के अंदर एग्जिस्ट करती है ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज उसको समझने के लिए वी नीड टू मूव टुवर्ड्स अ सिस्टम साइंस ठीक है और इसी को कंसीडर अगर आप करोगे तो इस बार का जो नोबल प्राइज़ है वो इस इन सारे एरियाज़ पे फोकस किया है ये जो टर्म है सिस्टम साइंस इसके बारे में आपको पता होना चाहिए तो ये हमने डिस्कस किया नेक्स्ट इज़ अबाउट द मॉनसून अभी आप देखोगे के केरला के अंदर क्या हालत है उत्तराखंड के अंदर चल रहा था वहाँ भी बारिश का भी बहुत है बीस तारीख के बाद फिर से केरला में बहुत ज़्यादा बारिश होने वाली है उत्तराखंड में देखोगे कंटिन्यूस रेनफॉल है ईस्टर्न राजस्थान में आपको बारिश बहुत अधिक देखने को जो है वो मिल जाएगी तो ये सब डेवलपमेंट है ये मैटर ऑफ कंसर्न है देखो क्या होता है कोई चीज़ अगर नॉर्मल लेवल पे रहती है तो अच्छा लगता है ठीक है अब जैसे हवाएं चल रही हैं और आप जो है बैठे हुए हो किसी के साथ तो आपको अच्छा लगेगा अभी उधर तूफान आ जाएगा मतलब तो फिर तो भागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा तो कोई चीज़ अगर नॉर्मल लेवल पे चाहे वो पानी हो चाहे वो हवा हो चाहे वो टेम्परेचर हो अगर वो एक एडिक्वेट लेवल पे है तो बहुत अच्छा है पानी बहुत ज़्यादा होगा तो फ्लड हो जाएगा हवा बहुत तेज होगी तो स्ट्रांग हो जाए स्ट्रॉन्ग हो जाएगा गर्मी बहुत ज़्यादा होगी तो हीट वेव्स हो जाएगा ये सारी चीज़ें कोई भी चीज़ की जो आ, बहुत एक्सट्रीम होता है वो कभी भी आ, कभी भी स्टेबिलिटी लेकर नहीं आ सकता है वो इक्लब्रियम को ब्रेक कर सकता है तो यहाँ पे अगर देखोगे रेनफॉल तो रेनफॉल तो अच्छी है बारिश नहीं हो रही है बारिश हो रही है। जैसे मैंने आपसे कई बार कहा है कि विश्व में जो प्रॉब्लम है वो पानी की प्रॉब्लम नहीं होगी कभी भी देखो विश्व में आज से दस हज़ार साल पहले जितना पानी था आज भी उतना पानी है पानी कहीं ऐसा नहीं कि पानी जाके मार्स में चला गया या आ, आ, मून में चला गया ये प्रॉब्लम नहीं है प्रॉब्लम क्या है कि जहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट है वहाँ पानी नहीं है तो पानी मान लो बारिश ज़्यादा हो रही है समुद्र में पानी चला गया अभी समुद्र का पानी क्या करोगे वो पानी ज़्यादा उसमें चला गया या फिर बारिश बहुत अधिक हो रही तो हमने स्टोर नहीं किया तो फिर वो नदी और फिर फिर से सी में चला गया तब हम उसको काम नहीं कर सकते तो जो तो प्रॉब्लम है इट इज़ नॉट विद द वाटर वाटर ऐसा नहीं वाटर डेफिशेंसी बारिश ही नहीं पृथ्वी से पानी खत्म हो जाएगा पानी रहेगा अब जैसे आपने बना दिया डैम ये रिवर बनाया बड़ा सा डैम बना दिया तो ये रिवर क्या है रिवर एक कोर्स है ये रिवर जा रही है इस तरीके से अब ये रिवर में पानी कहाँ से आता है अलग अलग जगहों से आता है वहाँ पे आपने सारा स्लोप बिगाड़ दिया वहाँ घर बना दिए स्लोप तोड़ दिया तो जो नेचुरल फ्लो है रिवर का जो सोर्स ऑफ वाटर है वो नहीं है रिवर सूख जाएगी डैम किसी काम का नहीं बचेगा फिर कहीं और जगह मिलेगी वहाँ से पानी बह जाएगा या फिर इसलिए ये प्रॉब्लम ही है जैसे अगर आप सांभर लेक की बात करोगे सांभर लेक आप सभी लोग जानते होंगे राजस्थान के अंदर है सांभर डिस्ट्रिक्ट जयपुर के पास ही है पचास साठ किलोमीटर पे तो वहाँ पे अगर आप देखोगे तो वहाँ पे सॉल्ट लेक है ठीक है रामसर साइड भी सॉल्ट लेक है अब क्या होता था कि आसपास की जो रिवर्स हैं जो उनका पानी है वो सांभर लेक में जाता था सांभर लेक में जाता था अब वो पूरा सांभर लेक सूखा हुआ है यहाँ पे बहुत सारी बर्ड्स भी आती थी अभी सूखा क्यों सूखा हुआ है क्योंकि आसपास सब इनक्रोचमेंट लोगों ने कर लिया जो स्लोप्स हैं उन स्लोप्स पे वो स्लोप है ही नहीं अब वो वहाँ पे वो सब कंस्ट्रक्शन कर दिया रोड बना दिया तो पानी कहाँ से आएगा बारिश से तो पानी इतना नहीं आ सकता तो अलग अलग जगह से बह के इस जगह पे आता था तो ये लेक बनती थी अब ये तो प्रॉब्लम यही है कि जो हमारा हैबिटेशन है जैसे रेनफॉल प्रॉब्लम नहीं है रेनफॉल हजारों साल से हो रही है आज से रेनफॉल नहीं होगी प्रॉब्लम कहाँ से एर, एराइज़ हो रही है कि आप जैसे थोड़ा बहुत रेनफॉल अनटाइमली हो रही है बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज बट रेनफॉल एक ऐसी चीज़ है जो कि आज से नहीं बहुत सालों से हो रही है अब देखो क्या है कि अगर ये माउंटेन स्लोप है अब केरला की बात करो यहाँ पे क्वेरिंग मतलब पत्थर तोड़े जाते हैं माइनिंग की जाती है पेड़ काटे जाते हैं जैसे मड मड स्लाइड होता है कंसेप्ट इस पर लिखा हुआ मड स्लाइड तो यहाँ पर क्या है कि अगर ये जो पूरा का पूरा डिफॉरेस्टेशन है ये डिफॉरेस्टेशन आपने कर दिया डिफॉरिस्टेशन करने के बाद सारे जो पेड़ है वो काट दिया आपने पेड़ काटने के बाद क्या होगा कि वो जो खाली खाली मिट्टी बचेगी अब वो जो मिट्टी है उसमें जब बारिश आएगी तो अगर क्योंकि मिट्टी तो होल्ड रहेगी नहीं यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स में ये पूरा पूरा जैसे ही सेचूरेट होगी मिट्टी तो ये यह पूरा यहाँ बह के यहाँ पर घर बने हुए हैं तो मड स्लाइड होगी और पूरे घर उसमें मड में चले जाएंगे तो वहाँ फिर बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा तो यहाँ पर ये यह सारी दिक्कतें हैं जैसे पेड़ काट दिए गए या पेड़ काट के फिर जैसे जो है क्वेरिंग की जा रही है माइनिंग की जा रही है तो यहाँ पर जैसे अभी माधव गडगिल कमेटी के बहुत रिकमेंडेशंस थी बट वो देखने में बहुत हार्श लग रही थी बट अगर वो रिकमेंडेशंस इंप्लीमेंट होती तो केरला जैसी जगह पे, जहाँ पे खास तौर से जो इकोलॉजी और डेवलपमेंट के बीच का बैलेंस बहुत जरूरी है क्योंकि हाईली सेंसिटिव एरिया है वेस्टर्न घाट के रीजन पे लोकेटेड है तो उसको बैलेंस किया जा सकता था ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो आपका हो सकता है अब देखो क्या है जैसे केरला है केरला से बहुत सारे लोग जाते हैं वेस्ट एशियन रीजन पर जाते हैं अब वहाँ से उनकी अर्निंग अच्छी हो रही है अर्निंग होकर वापस आते हैं तो अब क्या है कि उनका इकोनॉमिक एम्पावरमेंट होता है फिर उनको नया घर लेना है अब घर के लिए ज़मीन है नहीं इतनी तो क्या पेड़ का पेड़ काटे जा रहे हैं स्लोप जो है आपके मतलब जो पहाड़ है, उसको काटा जा रहा है तो वो सारा जो पहाड़ का जो मतलब स्लोप डिस्टर्ब किया जा रहा है तो ये सब चीज़ें क्या वहाँ पहाड़ों के नीचों में कि माउंटेन फेसिंग हाउस एंड इस टाइप की चीज़ें वहां भी चलती होंगी तो इस तरीके से क्या क्या होता है कि जब नॉर्मल सिचुएशन है तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि मेरे घर के सामने पहाड़ है आप वीडियो बनाओगे लेकिन इन केस जब इस तरीके का बहुत ज्यादा रेनफॉल होगी उस समय नेचुरल डिजास्टर्स से बचना बहुत मुश्किल आपका हो जाता है ठीक है तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है माधव गडगिल कमेटी ने भी बहुत से रिकमेंडेशन अब देखो यहाँ पे आप लोग को माधव गडगिल कमेटी के रिकमेंडेशन खुद से देखने चाहिए हमने पहले डिस्कस किया हुआ है माधव गडगिल कमेटी का रिकमेंडेशन क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है इस बार के मेन्स में भी हो सकता है प्रश्न आपके लिए आ जाते एक बार जरूर से आप माधव गडगिल कमेटी के बारे में देख के जाना कस्तूरी रंजन माधव गढ़गिल कमेटी ये हमने पहले मतलब पिछले साल डिस्कस किया था डिटेल के अंदर ठीक है तो यहाँ पर अगर आर्टिकल कुछ आते हैं तो फिर हम लोग उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं तो खासतौर से जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं और ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है बहुत ह्यूज लॉस कॉस कर रही है जैसे क्वेरिंग एक्टिविटी है केरला के अंदर बहुत लार्ज एरिया में देखने को मिलता है ये शॉर्ट टर्म प्रॉफिट है अभी देखो ये पॉलिटी में भी पॉलिटिकल लेवल भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल एक सरकार आती है पांच साल के लिए वो सरकार आएगी ठीक है अभी पांच साल के लिए जब वो सरकार आएगी तो उसको तुरंत सब कुछ दे सब कुछ प्रोवाइड करना है जो बेनिफिट है कोई सरकार ये नहीं कहेगी कि देखो मुझे वोट दो क्योंकि मैंने डिफॉरेस्टेशन को रोका है लोगों को मतलब ही नहीं है इससे ठीक है क्योंकि लोग इतने अवेयर नहीं हैं तो यहाँ पे क्या अगर किसी सरकार ने कहा कि देखो हमने उस उस माइनिंग को बंद करके हमने वहाँ क्वेरिंग एक्टिविटी को रोक के और हमने यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन को रोका है अभी अगर ऐसा कोई पॉलिटिकल पार्टी बोलेगी तो उसको वोट कौन ही देगा कि ये देखो पेड़ की बातें कर रहे हैं और इस टाइप से वोट किसको देगा वोट देखो हमने इतने लोगों को जो है वहाँ माइनिंग खुलवा के उसको रोज़गार दे दिया हमारी जीडीपी स्टेट की इतनी बढ़ गई हमारे यहाँ पे इतने घर बन गए अब वो वो ये शॉर्ट टर्म गेन है अभी आपने ये जो डेवलपमेंट किया दिस डेवलपमेंट कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय द डिज़ास्टर कोई भी डिज़ास्टर है उस डेवलपमेंट शॉर्ट टर्म डेवलपमेंट को आपको कभी भी खत्म कर सकता है सो द डेवलपमेंट कैन बी डिस्ट्रॉयड बाई बाय द डिज़ास्टर तो ये एंगल अगर आप सोचा जाए पॉलिसी मेकिंग में तो वहाँ पे हमें बहुत सारे लेवल पे चेंजेस लाने की ज़रूरत जो है वो पड़ सकती है ख़ास तौर से अगर देखा जाए शॉर्ट टर्म प्रॉफ़िट की तरफ नहीं हम जाएं एक ओवरऑल गोल की तरफ जो हम प्रोसीड करें सेम सी प्रॉब्लम उत्तराखंड के अंदर सेम सी प्रॉब्लम हिमाचल प्रदेश के अंदर देखने को जो है वो आपको मिलती है क्योंकि वहाँ भी पर टूरिज्म पर निर्भर है टूरिज्म के ऊपर फिर वो जो रेस्टोरेंट बनाएंगे होटल बनाएंगे वो पहाड़ों काट के बनेंगे अभी बड़ा सा कोई डिज़ास्टर आया तो फिर वो सारी दिक्कतें होंगी उसके बाद ग्लेशियर्स की मेल्टिंग होना टेम्परेचर हाई होने की वजह से वह वा, तो ये सब चीज़ें ये सब प्रॉब्लम्स हैं तो ये कितना सस्टेनेबल है ये सोचने वाली बात है यहाँ पर वनडेबिलिटी हायर कहाँ पर होगी जो कि डिज़ास्टर प्रोन एरिया के एकदम क्लोज लोकेटेड है जो लोग वहाँ रह रहे हैं उनके लिए ये जो डिजास्टर है इसकी फ्रीक्वेंसी कंटिन्यूस बस बढ़ रही है और अगर ऐसा डिजास्टर कंटिन्यूस चलता रहेगा तो बहुत सारे लोग की जो लाइफ है दैट कैन ऑल्सो बी लॉस्ट एक पॉइंट और भी मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ जैसे अभी फार्मर प्रोटेस्ट आपका चल रहा है फार्मर जो प्रोटेस्ट है देखो अगर आप आइडियल कंटेक्स्ट में देखोगे तो कोई भी प्रोटेस्ट है वो संवैधानिक राइट है आर्टिकल uh, 19 के अंदर अगर आप देखोगे तो वो हमारा संवैधानिक राइट है लेकिन एक पॉइंट मैंने हमेशा आपसे जैसे आप लोग क्योंकि फ्यूचर ब्यूरोक्रेट हो इसलिए मैंने पहले भी आपसे इस चीज़ के बारे में डिस्कशन पहले भी मैंने आपसे चीज़ कहा कि देखो जो पंजाब का रीजन है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजिकली लोकेटेड है ठीक है पंजाब का रीजन है अभी अगर आप देखोगे आज के पेपर में ही आया है वो क्या है कि जो रेलवे लाइंस हैं उस पर जो फार्मर्स हैं वो आपके हैं बैठे हुए हैं अब इसकी वजह से बहुत सारी जो ट्रेन्स हैं जो कोल लेकर जा रही थी कोयला लेकर जा रही थी वो नहीं जा पाई अब कोल लेकर जा नहीं पाएंगी कोल लेकर नहीं जा पाएंगी वट विल हैपन वो थर्मल पावर प्रोडक्शन नहीं होगा थर्मल पावर नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी जाएगी इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगी इंडस्ट्री विल भी अफेक्टेड इंडस्ट्री विल भी अफेक्टेड तो एम्प्लॉयमेंट विल भी अफेक्टेड ठीक है ओवरऑल आप खुद देखो इसका इम्पैक्ट कितना पड़ सकता है रोड पर आपने पूरा दो चार किलोमीटर के अंदर पूरा उसको जाम कर दिया आस के लोग दे विल बी अफेक्टेड और uh, है ना ये वो अफेक्ट तो होंगी साथ में मूवमेंट है दैट विल बी अफेक्टेड गाड़ियों का जो मूवमेंट है उसकी स्पीड विल बी अफेक्टेड उसके बाद क्या है कि जो फ्यूल कंजम्पशन विल बी अफेक्टेड आपका जो खास तौर से जितना ऑयल का कंजम्पशन है कारों में वो बढ़ेगा टाइम और जो प्रोडक्टिविटी है दैट विल बी अफेक्टेड तो ये सारी स्ट्रेटेजिक एंगल में अगर आप देखोगे तो ये जो कोल वाला पॉइंट आप समझो कि यहाँ पे रेलवे लाइन पे मान लो यहाँ पे प्रोटेस्ट करने लग गए तो कोल का मूवमेंट जो है वो आपका अफेक्ट हो रहा है कोल का मूवमेंट अभी इसी तरीके से मान लो इधर सिर्फ टू फ्रंट वॉर होती है और देखो यहां पे इस चीज पर कई बार आप में से कहते हैं, नहीं सर वो जो है वहां पे वो सच में उनका कंसर्न है ये ये देखो बात ये नहीं कि कंसर्न है कि कंसर्न नहीं है द पॉइंट इज कि हम जब किसी भी चीज के बारे में सपोज करो इफ यू आर प्रोटेस्टिंग इन द सेंस जैसे ऑनरेबल कोर्ट ने भी कहा कि जब फार्मर बिल है वो फार्मर बिल आपका जब वो लागू ही नहीं हो रहा है तो आप प्रोटेस्ट किस चीज का कर रहे हो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ के लिए कहा कि हमने हमारे उसमें अभी पेंडिंग है तो यहाँ पे जब चीज़ों का पोलिटिसजेशन हो जाता है और इसका जो लॉस है वो इकोनॉमिक और सोशल एंगल पे होता है तो यहाँ पे हमें आ, हमें कई सारे जो स्टेप्स हैं खास तौर से वो लेना जरूरी हो जाता है क्योंकि जब वो लॉ एप्लीकेबल ही नहीं हो रहा जैसे ऑनरेबल कोर्ट ने कहा तो जब लॉ एप्लीकेबल नहीं हो रहा है तो प्रोटेस्ट किस चीज़ का ये अभी पिछले दो हफ्ते पहले कोर्ट ने भी कहा और दूसरा क्या है कि जब अगर टू फ्रंट वॉर होती है और यहाँ पे ये जो पूरा पंजाब का रीजन है यहाँ से अगर अब जैसे हनुमानगढ़ और इधर से अमृतसर और ये पूरे रीजन से अगर आप देखोगे तो बहुत सारे ट्रक आर्मी के मूव करते हैं अभी मान लो रोड ब्लॉक हो गया या किसी भी फैक्टर की वजह से अगर इस प्रकार की चीज़ें हो जाएंगी तो मूवमेंट डिले हो जाएगा मूवमेंट अगर डिले होता है तो ये पूरा का पूरा जो रीजन है दैट कैन बी इम्पैक्टेड इन अ ग्रेट सेंस तो यहाँ पर आप ये मत सोचो कि जो पर्सन प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका ये इंटेंशन है वट आई वॉन्ट टू कन्वे इज़ कि जब इस प्रकार के देखो जो पर्सन पार्टिसिपेट कर रहे हैं दे हैव सर्टेन इंटरेस्ट जो उनको लगता है अकॉर्डिंगली वो अपना जो है ग्रेवेंसिस के अकॉर्डिंगली आपका प्रोटेस्ट चल रहा है लेकिन ओवरऑल जो बड़े लीडर्स हैं और बहुत आगे की जो थिंकिंग होती है वो अलग अलग डायमेंशन्स अलग अलग थिंकिंग अलग अलग ऑब्जेक्टिव लेकर चलते हैं तो हमें ये सोचना है कि, कि किस तरीके से आ, किस तरीके से जो प्रोटेस्ट है और जो कंट्री के जो डिफरेंट इम्पैक्ट है उसको कैसे बैलेंस कर सके ठीक है क्योंकि देखो इंडिया एक डेमोक्रेसी है बहुत सारे इश्यूज आपके हमेशा रहेंगे आज एक इशू है कल दूसरा इशू रहेगा परसों हर इशू में अगर सपोज करो यही चीज़ें ट्रेंड चल जाए कि कभी रेल ब्लॉक कर रहे हैं कभी रोड ब्लॉक कर रहे हैं कभी वो मूवमेंट है आर्म फोर्सेस का उसको ब्लॉक कर रहे हैं तो फिर तो बहुत ज़्यादा केयर्स क्रिएट हो सकता है ठीक है ये ये चीज़ हमें ध्यान में रखना चाहिए और इसके लिए फिर प्रयास करना चाहिए जो भी लीडर्स हैं दूसरा एंगल जो है क्योंकि ये आर्टिकल है इसलिए आई एम डिस्कसिंग विथ यू तो दूसरा एंगल जो है वो आपसे देखना है कि देखो नाइनटीन के अंदर नाइनटीन सेवनटी में जो स्थिति आज इंडिया की है वही स्थिति यूएसए की थी वहाँ भी फार्म प्रोटेस्ट बहुत अधिक हुआ था फार्म प्रोटेस्ट बहुत अधिक हुआ था और क्यों हुआ था क्योंकि फार्म बिल्स आए थे और उसमें ऐसे ही कई रिफॉर्म्स थे जिस पर फिर बहुत ज़्यादा वहाँ के फार्मर्स हैं उन्होंने ट्रैक्टर्स लिए व्हाइट हाउस में ही चढ़ा दिया उन्होंने इस टाइप का था सारी चीज़ें था तो ये देखो जो कंसर्न हैं मान लो जब भी कोई चेंज होता है उस चेंज के से रिलेटेड बहुत सारे लोग कंसर्न होते हैं सेवेंटीज लेट सेवेंटीज़ अर्ली एट्टीज में यूएसए में भी ये से, से, सेम सी प्रॉब्लम देखने को मिली थी अब उस समय जो मिस्टेक की गई थी यूएसए के फार्मर्स के द्वारा अभी तक वो मतलब अगर ऐसा ना हो तो बहुत अच्छा रहेगा उन्होंने क्या मिस्टेक की थी कि वो प्रोटेस्ट को बहुत वायलेंट कर दिया था उन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा वायलेंट किया था जब क, जब भी वायलेंस आ जाता है देखो प्रोटेस्ट की लेजिटिमेसी बनी कब तक रहती है वेन देर इज़ नो वायलेंस कभी वायलेंस नहीं है तो लोगों की सिंपथी रहेगी देखो यहाँ पे जो पावर है वो आप मान लो 2000 फार्मर हैं उनकी पावर नहीं है द पावर इज ऑफ द पीपल हु आर सपोर्टिंग दोज पीपल तो वो जब तक लेजिटिमेसी उस प्रोटेस्ट की तब तक बनी रहेगी जब तक लोग उस प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं अगर लोगों के अंदर नेगेटिव फीलिंग आ गई एक बार एंड गवर्नमेंट इज अवेयर अबाउट दिस थिंग तो फिर जो भी प्रोटेस्ट के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव नहीं किए जा सकते नाइनटीन लेट सेवेंटीज में और एट्टीज में यूएसए में भी फार्मर्स ने प्रोटेस्ट किया था सेम सी चीज़ें जो आज इंडिया में है वहाँ भी ऐसी हुआ था और उस समय उन्होंने वायलेंस का रास्ता अपनाया था वायलेंस का रास्ता मतलब मान नहीं रही थी सरकार हेली नहीं रही थी यही सारा प्रोटेस्ट चल रहा था तो फिर वो वायलेंट हो गए वायलेंट होने के बाद यूएसए की सरकार को मौका मिल गया लोगों ने सपोर्ट किया नहीं तो फिर वो उन्होंने सबको अपने हिसाब से एडजस्ट कर दिया तो ये चीज़ थोड़ा सा देखने वाली बात है ये भी देखने की बात है ये पॉइंट है ध्यान नेक्स्ट देखते हैं शेडो फॉरन पॉलिसी का कंसेप्ट है यहाँ पे एक कंसेप्ट है दिस वी कॉल इट एज अ शेडो गवर्नमेंट शेडो गवर्नमेंट का मतलब असल में जो गवर्नमेंट आपकी है और असल में रूल कौन कर रहा है ठीक है तो वो जैसे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हमारे मंत्री हैं ये डिसीजन सारे लेते हैं और असल में कोई और हो तो इसको शेडो गवर्नमेंट बोलता है इसी तरीके शेडो फॉरेन पॉलिसी का मतलब क्या होगी फॉरेन पॉलिसी जो आपने इस्टेब्लिश की कि देखो हमारी फॉरन पॉलिसी ये है फॉरन पॉलिसी का मतलब गाइडिंग प्रिंसिपल जो कि हम फॉलो करते हैं टू इस्टेब्लिश गुड रिलेशनशिप विद अदर कंट्री तो जैसे मान लो हमें अगर, अगर अपने साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ ईस्ट एशियन के कंट्रीज़ सा, uh, के साथ अच्छे रिलेशन रखने हैं तो हम कहते हैं एक्ट ईस्ट पॉलिसी वो पॉलिसी का नाम है एक्ट ईस्ट पॉलिसी इसी तरीके से अगर हमें चाइना के साथ है तो हम जो फॉरन पॉलिसी अपनाते हैं पंचशील पॉलिसी है, नेबरवुड के साथ है तो हम कहते हैं गुजराल डॉक्ट्रिन ठीक है गुजराल डॉक्ट्रिन या फिर uh, नेबरवुड फर्स्ट पॉलिसी तो ये सब क्या है गाइडिंग प्रिंसिपल है जो कि हम फॉलो करते हैं uh, अपने रिश्तों को अच्छा करने के लिए दूसरे देशों के साथ तो उसे हम फॉरन पॉलिसी शब्द इस्तेमाल करते हैं अब शेडो फॉरन पॉलिसी का मतलब जो स्टैब्लिश्ड फॉरन पॉलिसी है जो मीडिया में है लोगों को पता है कि ये इसके साथ हमारी फॉरन पॉलिसी है और असल में कोई और हो तो उसको कहते हैं शेडो फ़ॉरन पॉलिसी ठीक है policy, ये कंसेप्ट थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए बाकी इन्होंने पोलिटिकल लेवल पर आर्गूमेंट दिए हैं जो हमारे काम के नहीं है मतलब सरकार मतलब पर्टिकुलर लीडर के नाम लेते हुए इन्होंने एक्सप्लेन किया नेक्स्ट देखते हैं दिस इज रिलेटेड विद द लाइफ स्टॉक ये एग्रीकल्चर का टॉपिक है एक टॉपिक और भी आया है कास्ट सेंसेस पर अगेन मैंने आपको कहा कि देखो कास्ट सेंसेस रिजर्वेशन और इन सब पे उनका ओपिनियन है सो वी आर नॉट कवरिंग दैट टॉपिक बिकॉज देखो ऐसे जो टॉपिक्स हैं वो टॉपिक में सबके स्टाबल्लिश व्यू पॉइंट रहते हैं ठीक है स्टाब्लिश्ड व्यू पॉइंट रहते हैं तो अब यहाँ पे जब भी कोई ऐसे अच्छे आर्गूमेंट्स आएंगे या जब कोई एक्शन लिया जाए या कोई आगे की प्रोसीडिंग्स होंगी तो वहाँ पे फिर हम लोग उस पर डिस्कस ज़रूर से करेंगे ठीक है तो अभी पॉलिटिकल डिबेट में पढ़ने से उतना फ़ायदा नहीं है यहाँ पे नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन के बारे में डिस्कस करते हैं सो तो यहाँ पे ये यह आपका एग्रीकल्चर का टॉपिक है पेपर जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसके पेपर मतलब स्टार्टिंग के जो थ्री फोर मिनट्स होते हैं उस पर हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर लेते हैं कि आपको कौन सा टॉपिक किस पेपर से है तो ये आप देख सकते हो ठीक है लाइफ स्टॉक ब्रीडिंग की बात किया जाए तो यहाँ पर इंडिया में लार्जली अनऑर्गेनाइजड है और फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंटीग्रेशन इतना अच्छा नहीं है देखो फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज का मतलब होता है जैसे मान लो ये फार्मर है यहाँ पे आपकी आ, ये जो है लाइफ स्टॉक है अब फॉरवर्ड लिंकेज का मतलब होता है कंज्यूमर से लिंकेज जो मिल्क है या जो भी प्रोडक्ट है उसको लोगों तक पहुँचाना और बैकवर्ड लिंकेज का मतलब होता है जैसे मान लो लाइफ स्टॉक है अब लाइफ स्टॉक को ग्रो करने के लिए या लाइफ स्टॉक को आ, मतलब आ, ऐसा ब्रीडिंग करने के लिए जो चीज़ों की जरूरत है वो वहाँ तक पहुँचना पहुँचाना तो बैकवर्ड लिंकेज के माध्यम से होता है तो इंडिया में लगभग टू हंड्रेड मिलियन इंडियंस आर इन्वॉल्व इन लाइफ स्टॉक फार्मिंग लगभग इतने लोग हैं सौ मिलियन डेयरी फार्मर्स के रूप में हैं उसके बाद रफली एट्टी बोवेन इन द एट्टी परसेंट वोवेन इन द कंट्री जिनकी प्रोडक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं है और स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के द्वारा रियर किए जाते हैं कैटल्स की जो प्रोडक्टिविटी उसको इन्हेंस करने के बाद राष्ट्रीय गोकुल मिशन में भी इसको हाईलाइट किया गया है उनका जेनेटिक अपग्रेडेशन कैसे किया जा सकता है जो बोवेन पॉपुलेशन मतलब जो ये एनिमल्स हैं तो बफ़ेलो काउ इनका कैसे हम खास तौर से जेनेटिक अपग्रेडेशन करके उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं अब प्रोडक्टिविटी का ये मतलब नहीं है कि आपने जो है कोई गाय है उसको ऐसा जेनेटिक अपग्रेडेशन कर दिया कि वो दो बाल्टी मिल्क दे रही है मतलब ये हुआ कि क्वालिटी ऑफ मिल्क भी इंप्रूव हो तो दोनों चीज़ों पर फोकस करना है तो जैसे इसके लिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन सेक्स शॉर्टेड सीमन जैसे इसमें सिंपल सा आप इस तरीके समझो कि इन विट्रो का मतलब लैब के अंदर ठीक है इन विट्रो फर्टिलाइजन का मतलब लैब के अंदर जैसे अच्छी ब्रीड का uh, जो है जो भी है मेल है तो उसका सीमेन लिया फिर उसको फर्टिलाइज किया नया ब्रीड बनाया इस तरीके के कार्यों पर भी फोकस आपका किया गया है तो अब जो रिवाइज वर्जन है राष्ट्रीय गोकुल मिशन और नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन का ये फोकस करना है एंटरप्रीनरशिप डेवलपमेंट अभी अगर आप देखोगे एक कंट्री डिलाइट करके एक कंपनी है स्टार्टअप है पुणे की है ना उसने क्या किया जो मिल्क नॉर्मल रेट है मान लो पचास पचपन का उससे भी ज्यादा देते हैं बट लोग खरीद रहे हैं क्यों क्योंकि साथ में किट भी देंगे साथ में सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं और मतलब ये एक एंटरप्रेनरशिप का एक एग्जांपल है कि डेयरी सेक्टर में कैसे आ सकता है अगर कुछ क्वालिटी और इन सब पे अगर ध्यान दिया जाए तो लोग एक्स्ट्रा पे करने के लिए तैयार हैं लोग क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट एक ऐसी चीज़ है जो जो लोगों को रोज चाहिए रोज चाहिए ठीक है तो यहाँ पे इंटरप्रेनरशिप इन एरियाज़ में भी आपका आ सकता है इंडिविजुअल एंटरप्रेनर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइंट है ना तो बहुत सारे लेवल पे परिप लेकर आई जा सकती है सेक्शन एट जो कंपनीज़ फॉर एंटरप्रेनरशिप डेवलपमेंट उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट ब्रीड एनवायरमेंट मतलब ब्रीड जो इंप्रूवमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है जो ब्रीड्स हैं डिफरेंट कैटल्स के उसको इंप्रूवमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना कंपनीज एक्ट के तहत जो सर्टन कंपनीज़ हैं क्रिएट की जा सकती हैं एंटरप्रेनरशिप के लिए उसके बाद ब्रीड मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन फार्म कॉम्पोनेंट ऑफ राष्ट्रीय गोकुल मिशन तो यहाँ पर सब्सिडी प्रोवाइड करना लगभग टू हंड्रेड लैक फॉर सेटिंग ऑफ अ ब्रीडिंग फार्म ब्रीडिंग फार्म का मतलब एक ऐसा एरिया है जहां पे नए नई जो ब्रीड है लाइफ स्टॉक की उसको क्रिएट किया जाए ठीक है तो ये 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 भी गोकुल मिशन के अंदर आपका हाईलाइट किया गया है उसके बाद ग्रास रूट इनिशिएटिव भी कई सारे लिए गए हैं जैसे ई गोपाल ये एप्लीकेशन अगर आप देखोगे आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ द ऐप क्योंकि आई लाइक like, मैंने सुना था इसको आपका रेडियो के अंदर आ रहा था कि हाँ एनिमो ऐसा कुछ नाम है शायद एनिमलो या एनिमो ऐसा कोई ऐप है तो इसमें क्या होता है कि जो जानवर हैं जैसे बफेलो काऊ गोट शीप इन सब जानवरों को आप ख़रीद सकते हो मतलब ख़रीदने का मतलब ये हो गया कि जैसे अभी कार देखो डॉट कॉम और इस टाइप का होता है ना उसमें क्या है गाय देखो डॉट कॉम मतलब इस तरीके नाम कुछ और है गाय देखो और बफेलो देखो और फिर अपने हिसाब से उसको खरीदो बेचो इंटरमीडिएट्रेस की जरूरत नहीं इस तरीके की लोग ऐप डेवलप कर रहे हैं और लोगों को जरूरत है मतलब धीरे धीरे लोगों को पता हो मोबाइल फ़ोन सब तक जा रहा है तो उनको लगेगा चलो आज भैंस देखते हैं गाय देखते हैं गोट देखते हैं या जो भी है ठीक है तो इस तो यहाँ पे ई गोपाला ऐप भी इसी तरीके का कई ऐप है जो कि

उेंड चिक्स इसके बाद शिप और गोट एंट्रप्रेनरशिप के लिए भी ये प्रोविजन है सब्सिडी लगभग पचास परसेंट अपू फिफ्टी लाख रुपीज़ पिगरीज के लिए है है ना पिग्स के लिए है उसमें भी पचास परसेंट कैपिटल सब्सिडी लगभग थर्टी लाख के लिए उसके बाद है आपका जैसे ब्रीडर फार्म्स के लिए ईच एंटरप्रीनर विल बी एडेड विद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रीडर फार्म हंड्रेड सोज टेन बोर्स मतलब ये अलग अलग आप कह सकते हो कि इक्विपमेंट्स और चीज़ें हैं जो कि अवेलेबल कराई जाएंगी इस मिशन के अंदर नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन तो ये प्रश्न आपके लिए फ्रेम हो सकता है उसके बाद क्या है रिवाइज स्कीम जो नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन है इन एडिशन टू राष्ट्रीय गोकुल मिशन और जो एनिमल हजबेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड इसका ह्यूज पोटेंशियल है कि वो ओवरऑल जो लाइफ स्टॉक है उसकी प्रोडक्टिविटी और ट्रेसबिलिटी जो स्टैंडर्ड है खासतौर से लाइफ स्टॉक का जो स्टैंडर्ड है जो प्रोडक्ट वो प्रोड्यूस कर रहा है उसको इम्प्रूव करना जो प्रोडक्टिविटी है उसको कैसे इम्प्रूव करना इस डायरेक्शन में कार्य किया जा सकता है नेक्स्ट देखते हैं जुडिशरी शुड नॉट एक्ट एज अ सुपर लेजिस्लेचर जुडिशरी शुड नॉट एक्ट शुणी� एज अ सुपर लेजिस्लेचर सेंटर ने आपका हाईलाइट किया है तो यहां पे देखो बहुत अच्छा एक जो मेंस का भी आज का प्रश्न है दैट इज सुपर लेजिस्लेचर व्हाट बेसिकली इज अ सुपर लेजिस्लेचर तो यहां पे देखो सुपर लेजिस्लेचर का मतलब ये हो गया कि देखो लेजिस्लेटिव जो फंक्शन है लेजिस्लेटिव जो फंक्शन है वो किसका है लेजिस्लेटिव जो फंक्शन है दैट इज ऑफ पार्लियामेंट पार्लियामेंट के द्वारा ही लेजिस्लेटिव फंक्शंस हैं अगर वो फंक्शन जुडिशरी करने लग जाएगी तो वर्चुअल लॉ मेकिंग या सुपर लेजिस्लेचर के रूप में कार्य कर सकती है तो यहाँ पे ये कुछ टर्म हैं जैसे यहाँ पे ये प्रेसिडेंट थे उन्होंने इस टर्म का यूज़ किया था यू के पहले के तो यहाँ पर कहा गया दैट द जुडिशरी ऑट नॉट टू एक्ट एज अ सुपर लेजिस्लेचर तो बाय एंटरटेनिंग अ चैलेंज टू द ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट तो ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है तो उसके उस जिसे हर चीज पर अगर चैलेंज किया गया अब लॉ लेकर आया गया पार्लियामेंट में लॉ है पार्लियामेंट की कमिटी उस लॉ को देख रही है उसके अकॉर्डिंग वो लॉ ठीक है अभी उसको चैलेंज कर दिया जाएगा कोर्ट में फिर कोर्ट उसको देखेगी तो गवर्नमेंट तो यहाँ पे कहा गया कि जुडिशरी शुड नॉट एक्ट एक्टाइज अपर लेजिस्टर लेजिस्लेचर लेजिस्लेक। ने कुछ पास भी किया है जहाँ पे कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन भी नहीं है बट उसको फिर जो जो जुडिशरी है जुडिशरी के रास्ते से ही जाके उसे लेजिटमे से मिल सकती है तो ये क्या है इस तरीके का जो बिहेवियर है दैट इज मेकिंग जुडिशरी एज अ सुपर लेजिस्लेचर ठीक है तो यहां पे राज्यसभा के जो मेंबर हैं जयराम रमेश जो है कांग्रेस के लीडर है इन्होंने इस पॉइंट को हाईलाइट आपका किया तो अच्छा पॉइंट है कि जुडिशरी कैन नॉट एक्ट एज अ सुपर लेजिस्लेचर ठीक है तो ये ट्रिब्यूनल एक्ट के बारे में हमने ऑलरेडी जो है डिस्कस किया गया अब देखो यहां पे एक लाइन और लिखी कि गवर्नमेंट सेड इट हैज इट वॉज द एक्सक्लूसिव राइट ऑफ द पार्लियामेंट एंड एग्जीक्यूटिव टू फ्रेम द पॉलिसी तो देखो यहां पे है जब हम सेपरेशन ऑफ पावर के प्रिंसिपल की बात करते हैं तो लेजिस्लेचर मतलब लॉ बनाने का काम पार्लियामेंट का है उसके बाद लॉ को इंप्लीमेंट करने का काम एग्जीक्यूटिव का है और लॉ को इंटरप्रेट करने का काम जुडिशरी का है तो ये आपका क्या सेपरेशन ऑफ पावर है अब क्या है कि अगर जुडिशियरी पार्लियामेंट के काम का भी और एग्जीक्यूटिव का काम का भी करने लग जाएगी तो ये क्या है इट विल बी कंसिडर एज अ जुडिशियल ओवर और लेजिस्लेटिव फंक्शन अगर वो ज़्यादा करने लगेगी इट सिंपली मीन्स कि जुडिशरी जो है इट इज़ एक्टिंग एज अ सुपर लेजिस्लेचर सेशन अगर आप लाइव देख रहे हैं तो लाइक like बटन आप जरूर से प्रेस करें आज का मीनस का क्वेश्चन देख लो एक्ट्स ऑफ जुडिशरी एज अ सुपर लेजिस्लेचर इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर वन फिफ्टी वर्ड्स में आप अपना लिख सकते हैं आंसर ठीक है सो so, इसका पी डी एफ में आपसे शेयर कर दूंगा तीन चार बजे तक स्वाच के लिए इतना ही थैंक यू एवरी वन एंड लेट्स क्रैकेट वन मोर थिंग आज स्पेशल क्लास है आपकी ठीक है Uh, साढ़े नौ बजे जोग्रफी एनवायरनमेंट एंड साइंस करेंट अफेयर्स की और कल आपकी ऑप्शनल आपको कैसे करना है एग्रीकल्चर ऑप्शनल के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे ये आज की ठीक है थैंक